हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास टेंथ। दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास टेंथ साइंस फिजिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देर आर स्फेरिकल मिरर हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज कॉन्केव, अनदर इज convex. Then what is the principal focus of concave mirror? Principal focus, this is the principal focus of a concave mirror. It is a point on its axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. ये light rays हैं जो principal axis के, this is called a principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसमें आउटर साइड में जिसमें पॉलिश होता है वो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द कॉनकेव मिरर एंड कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस पॉइंट, जहाँ पर ये लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इन विच पॉइंट दे आर स्ट्राइक इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो जो लाइंस हमारे पास पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे से मिलती हुई दिखती हैं वो पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है ये रियल फोकस होता है। कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। ओके स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस और कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है या जो फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। सेकंड पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, ये मिरर है मिरर के इन फ्रंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इट इज ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस टू विच ऑल द रेज या ऑल द लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। इस मिरर में, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में होलो पार्ट की तरफ पॉलिश होती है, इसमें इन्फिनिटी से, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो इसके सरफेस पे टकराती हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये देखिए, लाइट रेज हमारे पास इन्फिनिटी से आई और इस तरीके से चली गई। ये लाइट रेज मिरर को स्ट्राइक करके आगे की तरफ नहीं जा सकती बिकॉज ये इसके इनवर्ड साइड में पॉलिश है। देन तो इन लाइट रेज को जब हम अंदर की तरफ बढ़ाते हैं तो हमको एक फोकस मिलता है, ये हमारे पास रियल फोकस नहीं होता है। एक्चुअल में ये हम मान लेते हैं, ऐसा लेट कर लेते हैं कि अगर इन लाइट रेज को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कट करेंगे जाकर। देयरफोर ये हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास वर्चुअल फोकस होता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। और इसमें सेकेंड पॉइंट जो है वो जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। ओके, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। देन रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक स्फेरिकल मिरर बनाकर दिखाया था, ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर में इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास है
और इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर है जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये हमारे पास पोल था और यहाँ पर हमारे पास फोकस था, यानी कि जो मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का उसको हम फोकस बोलते हैं। तो देखिए इस स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट हम कट कर लेते हैं, इसको हमने एम और एम डैश लेट बोल दिया। ये एम एम डैश इज़ द पार्ट, इट इज़ कॉल्ड अपर्चर, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। तो फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी कि सी से पी तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, एफ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोलते हैं, यानी कि फोकल लेंथ, इट इज़ कॉल्ड अ रेडियस। दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज़ द फोकल लेंथ। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको तब मिलेगी जब हम एफ और प्लस एफ, दो बार एफ और एफ को प्लस करेंगे यानी कि टू एफ। देयरफोर फोकस फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। ध्यान रखिए फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में यही रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इसमें हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेंड बाई ऑब्टेंड इमेजेस फॉर्म्ड बाई मिरर। तो मिरर में हमारे पास कॉनकेव मिरर है फर्स्ट, तो देखिए इस कॉनकेव मिरर में हम लोग फोर टाइप्स के रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रूल देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें हमको ये देखना है कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल होने के बाद ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट कैन मूव टूवर्ड्स द फोकस, मतलब कि जो लाइट रेज हमारे पास इन्फिनिटी से आती है पैरलर आती है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, दिस इज द मिरर, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, फर्स्ट रूल, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइक्स द सरफेस या आफ्टर स्ट्राइक द मिरर इट कैन मूव टूवर्ड्स द फोकस। ओके, जो पैरलर आएगी वो फोकस से जाएगी। सेकंड हमारे पास है कि अगर लाइट रेज हमारे पास फोकस से आती है, इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम फोकस, लाइट रेज फोकस से आती है देन मूव आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम फोकस, जब फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। जो लाइट रेज पैरलर आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी वो पैरलर आएगी, एक दूसरे के अपोजिट। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल हमारे पास है कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी ये एफ, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव्स ऑन सेम पाथ, जिस रास्ते से लाइट आएगी उसी रास्ते जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट मूव टुवर्ड्स द सेम पाथ। ओके, देन फोर्थ रूल हमारे पास है इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्ट्राइकिंग द पोल, अगर लाइट रेज हमारे पास इन्फिनिटी से आती है और पोल पर स्ट्राइक करती है तो आने वाली लाइट रेज को हम इंसीडेंट
रे बोलते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद जाने वाली रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। देन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि आने वाली लाइट जो हमारे पास पोल के साथ एंगल बनाती है, वही एंगल हमारे पास आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कंसीडर्ड एट एज सेम एंगल फ्रॉम द पोल। ओके, तो ये हमारे पास फोर रूल्स हैं जो कॉनकेव मिरर में बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फोर रूल्स हैं, इसके बाद हमको ये बताया गया है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें। रूल्स फ्रॉम ऑब्टेंड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर के बाद हमको ये पढ़ना है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे और हमारी इमेज कहाँ पर कंसीडर होती है। देन फर्स्ट रूल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट सिक्स रूल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर। देखिए अब इसमें आप ध्यान दीजिए, हम आपको कुछ शॉर्टकट की बताते हैं। फर्स्ट वी हैव ड्रॉ ए कॉनकेव मिरर। ये हम कॉनकेव मिरर के लिए बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर। दिस इज अ पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ध्यान दीजिए कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस में, और इमेज हमारी कहाँ पर ऑब्टेंड होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बात यहाँ पर ये आती है कि ऑब्जेक्ट हम ये पोल और फोकस के बीच में, फर्स्ट वी हैव प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट placed between pole and focus। ध्यान दीजिए लिखा हुआ है object placed between the pole and focus। जब object हमारा यहाँ पर रखा होगा, जब object हमारा focus और प्लेन के, फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। देखिए इसमें हमारे पास सिक्स रूल्स बनते हैं, और वो सिक्स रूल्स हमारे पास कौन से होंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फिफ्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाला हमारे पास ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में बनेगा, देखिए तो हमारे पास इमेज कहाँ पर बनेगी। इमेज, इसमें हमको तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना है। इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, और इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से एक तो हमारे पास पैरेलल रेज आएंगी जो इस सरफेस से स्ट्राइक करेंगी। तो फर्स्ट रूल हमने अभी आपको बताया, व्हेन द इमेज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव टूवर्ड्स द फोकस। जो रेज हमारे पास पैरेलल से आएगी वो इस सरफेस से टकराने के बाद पैरेलल जाएगी। सेकेंड, दूसरी हमारे पास है कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और इस तरीके से यहाँ पर टकराएगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव्स टूवर्ड्स द सेम पाथ। अब आप इन दोनों इमेजेस लाइट रेज को जब बिहाइंड में इंक्रीज करेंगे तो ये इनकी डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती जाएगी और ये इमेज आपकी एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, इन जो लाइट रेज हमारे पास सरफेस को टकराती हैं उस लाइट रेज को हम थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं, और ये लाइट रेज हमारे पास समथिंग अबाउट लेट बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट।
तो जहाँ पर ये हमारे पास कट करती हैं वो हमने ए डैस बी डैस ले लिया, और ए डैस बी डैस इज़ कॉल्ड ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमने कंसीडर कर दिया ए बी। तो आप देख रहे हैं इमेज कहाँ पर बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड आप देखिए इमेज कैसी बनी, ये रियल इमेज नहीं बनी। जब इमेज हमारे पास इन्फ्रंट में बनती है तो रियल इमेज होती है, और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मिरर के बिहाइंड बनती है तो वर्चुअल बनती है। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेम साइज है, या मैग्नीफाइड है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी है। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, आप देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ये हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया एंड अ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए बी। ओके, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस के ऊपर रखा होगा तो हमको ध्यान देना है कि इमेज हमारे पास कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, और इमेज का साइज क्या होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, देन जो इन्फिनिटी से हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव्स टूवर्ड्स द फोकस, ये फोकस से। दूसरा है हमारे पास कि लाइट रेज हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के बाद लाइट रेज इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब हम अगर इनको बिहाइंड द मिरर भी इंक्रीज करते हैं तो भी ये कहीं पर भी नहीं कटेंगी, और अगर हम इसको इन दिस डायरेक्शन भी इंक्रीज करते हैं तो भी ये कहीं पर नहीं कटती हैं। तो आप देखिए ना तो बिहाइंड द मिरर बन रही हैं और ना ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही हैं, तो इमेज आपकी कहाँ पर बनी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एंड अब इमेज आपके पास जो है वो बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड है इमेज कैसी बनी, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज। ओके, तो आप ध्यान रखिए जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस पर रखा होता है तो इमेज हमारे पास इन्फिनिटी में बनती है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ रखा होगा तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव टुवर्ड्स द फोकस एंड सेम थिंग। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि एक तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, इसको हमने ए और बी कंसीडर कर दिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा, तो पैरेलल आएंगी, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट कैन मूव टुवर्ड्स द फोकस। सेकेंड थिंग कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब लाइट रेज हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी तो इस तरीके से लाइट रेज आएंगी ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से बढ़ जाएगा, और ये भी हमारे पास इस तरीके से जब रेज हम
इनवर्ट साइड में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगी जाकर, और ये देखिए इतनी बड़ी इमेज बनी। ये हमारे पास क्या है, इमेज। इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज, यानी कि ये है ए डैश बी डैश। कहाँ पर बनी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी। ध्यान रखिएगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड थिंग कि इमेज हमारे पास बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी, और जब इमेज हमारे पास मिरर के सामने बनती है तो उसको हम लोग कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, थर्ड है ऑब्जेक्ट से लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट हमारे पास देखिए, फोर्थ पोजीशन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की है वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हमारे पास मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दिस पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन्फिनिटी से पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाएंगी। ओके, और फोकस से आने वाली रेज, और जो रेज हमारे पास फोकस से आएंगी वो पैरेलल जाएंगी। तो जब रेज हमारे पास पैरेलल जाती हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करती हैं। यानी कि इमेज कहाँ पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड थिंग इमेज का साइज क्या है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड इमेज का साइज हमारे पास सेम हो गया। अब हमको ये बताना है कि इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, अब ऑब्जेक्ट को हमने पहले यहाँ पर रखा था, फिर फोकस, देन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी से पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से, देन सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रेज। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे पास जो लाइट रेज आएंगी वो हमारे पास उसी रास्ते आकर वापस चली जाएंगी जिस रास्ते से लाइट रेज आई। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट कैन मूव टूवर्ड्स द सेम पाथ, तो जिस रास्ते से ये आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। लाइट रेज आने के बाद पैरेलल इन्फिनिटी से आने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद, ये देखिए इमेज इसने कहाँ पर कंसीडर की, जहाँ पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनती है। तो ये हमारे पास देखिए इमेज बनी, और ऑब्जेक्ट से छोटी। तो हमारे पास इमेज कैसी बनी, पहली बात तो हमको ये बताना होता है कि इमेज कहाँ पर बनी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड, थर्ड फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग थर्ड हमारे पास कि इमेज का जो है वो साइज कैसा है, तो इमेज का साइज जो है वो हमारे पास स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सिक्स पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी।
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी, दिस इज द मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, एम एम डैश, ओके. व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इनफिनिटी पे रखा होगा. तो देखिए, हम लोगों ने अभी एक रूल पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी, जब इनफिनिटी पे रखा होगा तो लाइट रेज हमारे पास पैरेलल आएंगी और पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस इट कैन मूव टूवर्ड्स द फोकस. ओके. सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब लाइट रेज या तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो हमको यहाँ पर इन्फिनिटी पे पॉइंट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. देन सेकेंड थिंग, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू, लाइट रेज हमारे पास पैरेलल ही आएंगी और किस तरीके से, ऐसे आकर लाइट रेज पैरेलल आएंगी, या यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास लाइट रेज इन दिस डायरेक्शन हम लेकर आएंगे और मिरर से टकराने के बाद इस तरीके से ये वापस चली जाएंगी. देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज एट फोकस, ओके, इमेज फोकस पर बनेगी. और कैसी बनी, इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज भी हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इस मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. और हमारे पास इमेज कैसी है, किस जगह पर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 6 रूल्स ऐसे हैं जो हमने अभी आपको बताए, रूल्स ऑब्टेंड फ्रॉम इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे. थैंक यू.